आंखों को खूबसूरत लगे, कभी मन को गुदगुदाए, कभी रोमांचित कर दे, दूर तक नजर जाए और हसीन नज़ारों से मन को खुश कर दे। कुछ ऐसे ही दृश्य की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देसिस्टेशंस। आज हम हैं उड़ीसा के चिल्का झील में। यूं तो यह एक झील है, लेकिन क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि आप दूसरा किनारा ढूंढ नहीं पाएंगे। चिल्का झील 10,000 वर्ष पहले बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा था। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली विशेष प्रकार की लहरों तथा नदियों द्वारा लाए गए बालू से एक बालू तट का निर्माण हुआ, जो चिल्का झील को समुद्र से अलग करता है। चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की झील है, जगन्नाथपुरी के पास में है और यहाँ पर डॉल्फिन मछलियाँ भी देखने को मिलती है। चिल्का झील भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 105 किलोमीटर तथा पुरी रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट बीजू जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। यहाँ से चिल्का झील पहुँचने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टैक्सी, कैब या ट्रैवलर ले सकते हैं। चिल्का झील के रास्ते में ही आपको छोटे बड़े जलाशय दिखेंगे। दोस्तों, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है और विश्व की दूसरे नंबर की समुद्री झील है। चिल्का झील महानदी के द्वारा लाए गए पानी और मिट्टी से समुद्र से अलग होती है। यह 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह अनूप और पूरी जिले के बीच में आती है। इसका आकार नाशपति के आकार का है। 4 सीट से लेकर 20 सीटों तक वाली बोट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। आप यहाँ पर अपनी जरूरत के अनुसार बोट का चयन करें। क्योंकि नदी के लाए गए जल से इस झील का निर्माण होता है, इसलिए वर्षा ऋतु में इस झील का पानी मीठा भी हो जाता है। समुद्र के नीले पानी के रंगत के बीच में हरे भरे टापुओं को देखना अत्यधिक मनमोहक है। चिल्का झील में इस प्रकार के 6 बड़े द्वीप हैं। इस झील में कई दुर्लभ जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सूर्यास्त के अनुभव ने हमारे इस सफर को और भी यादगार बना दिया है। धीरे धीरे चिल्का के सफर में आगे बढ़ते हुए हमें साइबेरियन पक्षियों का झुंड नजर आया। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे चिल्का लेक में बोटिंग का मजा ले रहे हैं। यहाँ हमें विशेष प्रकार के लाल जहरीले केकड़े भी देखने को मिले, जिससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। बोटिंग के बाद आप यहाँ पर सी फूड्स का भी मजा ले सकते हैं। झील पर ही एक द्वीप में आपको कुछ लोग मोती तथा कुछ जेमस्टोन्स सीप से निकाल कर दिखाएंगे। ये भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। यदि आप चाहें तो इन जेमस्टोन्स और मोती की खरीदारी भी इनसे कर सकते हैं। झील में आगे बढ़ते हुए हमें डॉल्फिन की कुछ झलक नजर आई। बीच बीच में दिखने वाले ऐसे मनमोहक नज़ारे झील की सुंदरता में और भी 4 चांद लगाते हैं, इसलिए यह पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करती है। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये चिल्का झील पर वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देसी स्टेशंस को सब्सक्राइब करें।
हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते रहते हैं।